Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. This is me guys Sri Sanu and you are watching Sun Nonstop. So guys again I'm back with another amazing video. And aaj ki jo hamari video hai Darjeeling, most beautiful place in West Bengal, India's highest toy. Okay, toy kyun likha hua unhone, theek hai. ओके गाइस, तो आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही अमेजिंग होने जा रही है. आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ दार्जिलिंग. दार्जिलिंग का विजिट किस किसने कर रखा है अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा. ये मुझे इसके थंबनेल से लग रहा था ये बहुत ही खूबसूरत जगह है. मुझे ऐसी जो जगह होती है ना वहां पर घूमने फिरने का बहुत शौक है. वैसे तो मैं कभी ऐसी किसी प्लेस के ऊपर नहीं गई, लेकिन अगर आप लोग गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा. जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा. तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इस जगह पर पहुंचते ही आपको कुछ ऐसी आवाज आएगी. और क्या पता ये ट्रेन आपके साथ साथ ही चलने लगे. कहीं दूर इन पहाड़ों के ऊपर से झांकती इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी दिखेगी. और अगर रास्ते में आपको चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाइए आप वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में हैं. जमीन पर जन्नत है ये दार्जिलिंग. छह हजार सात सौ फीट की हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है. और इसकी खास बात यह है कि यहाँ इन ऊंचे पहाड़ों में भी ट्रेन चलती है. और इसी वजह से यहाँ पर है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन. और इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब इससे ज्यादा हाइट पे कोई और रेलवे स्टेशन नहीं है इंडिया में. या ये रेलवे है, ज्यादा हाइट पे होने के बाद भी स्टीम इंजन है जिसके थ्रू ये टॉय ट्रेन ऊपर तक आती है. मुझे भी जाना है यहाँ पर. कोई डीजल का इंजन नहीं है, वो स्टीम इंजन है जिससे टॉय ट्रेन इतनी ज्यादा हाइट तक आती है. अच्छा, एक दफा मेरा चैनल जो है वो ग्रो हो जाए, ठीक है, अच्छे पैसे मुझे चैनल से आने लग पड़े ना, फर्स्ट विजिट जो है ना, हम फर्स्ट जो हमारा ट्रिप होगा हम इंडिया में जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करेंगे. इंडिया की हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जहां आपको आज भी सालों पुराने स्टीम इंजन बस ऐसे ही रोड पर घूमते दिख जाएंगे, जिनमें से कुछ स्टीम इंजन तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. और जिस ट्रैक पर ये चलते हैं वो इतना छोटा है कि समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी ट्रेन सिर्फ इस 2 फीट के ट्रैक पर चलती कैसे है. और इसके छोटे से ट्रैक की वजह से ही इसको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है. और शायद ये ऐसा टॉय है जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी है ही इतनी सीनिक. यूरोप लग रहा है मुझे तो, इंडिया नहीं लग रहा ये. जैसे मतलब आप दार्जिलिंग में आएंगे तो आपको काफी ज्यादा एक हिस्ट्री वाली फील आएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बहुत टाइम से प्रिजर्व करी हुई हैं. यहाँ की ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं. और दार्जिलिंग में जब मैंने यहाँ के एरिया घूमा, जब दार्जिलिंग में मैं आसपास के एरिया में गया, थोड़े बहुत लोगों से बात करी, तो मैंने देखा यहाँ पे ना नेपाली बहुत ज़्यादा बोली जाती है. ऑब्वियसली मतलब ये थोड़ा नेपाल के बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा पास है दार्जिलिंग, तो यहाँ पे नेपाली और बुद्धिस्ट कल्चर थोड़ा सा मिक्स है. बट मैंने सोचा था बंगाली बोलते होंगे, नहीं, बट यहाँ पे लोग ज़्यादातर नेपाली बोलते हैं. और सिर्फ दार्जिलिंग में ही आपको 3-4 लैंग्वेजेस मिल जाएगी, जैसे कि नेपाली, बंगाली, हिंदी. मतलब इंडिया के हर कोने में आपको एक अलग लैंग्वेज मिल जाएगी, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो. और ऐसे ही मुझे ट्रैवल करते करते रियलाइज़ हुआ कि एक लैंग्वेज से तो काम नहीं चलेगा, मतलब आपको एटलीस्ट 2-3 लैंग्वेजेस तो देखो आनी चाहिए. और वो भी तब जब घर बैठे या ट्रैवल करते हुए भी कोई भी लैंग्वेज सीखना इतना ईजी हो गया है ड्यूलिंगो की वजह से, गूगल ट्रांसलेटर, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ऐप स्टोर से. और बस एक गेम की तरह इससे आप बहुत ही इजीली 40+ लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से फ्रेंच. तो आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो, पर दार्जिलिंग में आते ही सबका एक ही मन होता है यहाँ की टॉय ट्रेन में सफर करने का. तो चलो अब इस सफर को शुरू करते हैं. ट्रेन के चलने से पहले ही इंजन में स्टीम को रेडी कर लिया जाता है.
अच्छा यहाँ भी कोयला डालते हैं है ना, और फिर भाप बनती है। आगे पानी डालते हो? टंकी है पानी का। पानी की टंकी है, कितनी बड़ी टंकी है? वो 5,000 लीटर आती है। 5,000 लीटर कोयला गरम, पानी गरम होता है, कोयला तो उससे भाप होता है, स्टीम होके यहाँ दिखाता है, स्टीम कितना है। अच्छा, डाउन होने के बाद नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा, अभी जैसे 150 दिखा रहा है, टनाटन है। स्टीम इंजन भले ही सालों पुराने हों, पर इस ट्रेन में लगे हैं नए विस्टाडोम कोचेस, जिसमें आपको हर साइड से व्यू दिखता है। इस जर्नी में टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से खूम स्टेशन की राउंड ट्रिप करती है, और क्योंकि खूम दार्जिलिंग से लगभग 1,000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है, तो उसकी स्टीपनेस को कम करने के लिए इन दो स्टेशन के बीच में बना है एक लूप, जिसका नाम है बताशे लूप। और इस लूप में घूमकर टॉय ट्रेन इतनी ज्यादा हाइट पर भी आराम से चल जाती है। ये तो खूबसूरत लग रहा ना। ये टॉय ट्रेन पूरे दार्जिलिंग की गलियों से निकलती है, जिसमें कभी ये किसी घर के पीछे से तो कभी इन मार्केट और बाजार के एकदम करीब से होकर जाती है। रोड के साइड में ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन भी जा रही है, और उसी के साथ में आपकी मार्केट भी पूरी लगी हुई है ट्रैक के एकदम साथ ही साथ, और मार्केट के साथ में से निकल के जा रही है पूरी टॉय ट्रेन। और कुछ इंचेस का गैप या फिर कहीं कहीं तो इंचेस का भी गैप नहीं है प्रॉपर। आराम से जा रही है, इतना सा डिस्टेंस बिल्कुल। भाई इतनी पास से जाती है रोज ट्रेन आपके दुकान से? इतनी पास से जाती है ट्रेन रोज, कोई दिक्कत नहीं होती? ये ट्रैक के पास की कुछ दुकानें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और उससे भी पुराना है ये रेलवे रूट। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज कई बार इतने सालों से दुकानों के इतनी करीब से ट्रेन के जाने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसलिए तो ये ट्रेन जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है। देखो सब्जियों के ऊपर वो पड़ रहा है, उसका धुआं। पर अगर आपको लग रहा हो कि इस ट्रेन से पुराना और फेमस तो दार्जिलिंग में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक चीज है जिसकी वकी चाय को टेस्ट किया जाए। फर्स्ट फ्लश क्या होता है, सेकंड फ्लश क्या होता है? अच्छा अच्छा, फर्स्ट फ्लश स्प्रिंग होता है, सेकंड होता है समर। अच्छा अच्छा, जितना पत्ता छोटा होते जाता है ना उतनी स्ट्रांग होती है। अच्छा, इनकी चाय थोड़ी फर्क लग रही है, तो बहुत स्ट्रांग है सही। मैंने यहाँ इतनी चाय टेस्ट करी कि मुझे यहाँ की चाय की आदत हो गई। पर एक और आदत हो गई जो शायद अच्छी भी है, ड्यूलिंगो से लैंग्वेज सीखने की। मैं भूल जाऊँ बट ड्यूलिंगो याद रखता है। दार्जिलिंग में आपको टी गार्डन्स तो आसानी से दिख जाएंगे, पर यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो इतनी आसानी से नहीं दिखती। यहाँ से दिखने वाली इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। दार्जिलिंग में मैं एक हफ्ते से था, जिसमें से कई दिन मैं रोज सुबह उठकर बस उसके दिखने का इंतजार करता था। और सिर्फ मौसम का साफ होना ही काफी नहीं, बल्कि उस पीक को देखने के लिए बहुत साफ विजिबिलिटी भी चाहिए। ये बहुत अच्छी जगह, और मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो शायद मुझे दिखेगी ही नहीं। पर एक दिन जब सुबह हुई और जब दिखी तो पूरी स्लीपिंग बुद्धा फॉर्मेशन दिखी,
जिसमें कई सारी पिक्स मिलकर स्लीपिंग बुद्धा जैसी फॉर्म बनाती हैं। जो सच में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। क्योंकि दार्जिलिंग में सालों पहले ही रेलवे आ गई थी, तो आज दार्जिलिंग एक प्रॉपर सिटी की तरह है। इसलिए यहाँ की रात में भी दिन जैसी एनर्जी होती है। पर यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक विलेज में, जहाँ कुछ किलोमीटर में ही मौसम बदल जाता है, कई रूप, कई रंग, कई भाषा है इसकी, तभी तो दार्जिलिंग बस एक शहर नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। वाकई यार, इतनी खूबसूरत ये जगह है और हर चीज जो है ना, वो मतलब खूबसूरती से भरपूर है, एक से एक बढ़कर जो है वो नजारा है। और ये सारा कुछ देख के ना मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कोई अलग ही दुनिया है, ये कोई और दुनिया है, ये इस जमीन की दुनिया नहीं है। मतलब इतना प्यारा, इतना अच्छा और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स थी, और वो टॉय ट्रेन यार, और इतनी इतनी क्लोज से जो है वो गुजरती थी, और चीजों, वो जो शॉप्स थी वहां पर, और इतनी प्यारी और खूबसूरत वहां पर पाइन फॉरेस्ट था, और वो टी प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ से जो है वो टी प्रोड्यूस की जाती है। बहुत ही कमाल की, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। और वहां पर इतनी ठंड का मौसम था कि मैं इतनी गर्मी में बैठ के वीडियो बना रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसी वीडियो देखकर। कमाल है यार, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? दार्जिलिंग यार मुझे तो दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है। और आप लोगों को दार्जिलिंग कैसा लगता है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चाहिए। कहते चलिए, कैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।